एक्शन एनिमी सीरीज देखने का एक अलग ही मजा होता है जो प्योरली मार्शल आर्ट्स को फॉलो करती है, जैसे कि ड्रैगन बॉल। उसकी फाइट्स आज भी उतनी ही ज्यादा आइकॉनिक लगती है जितना पहली बार देखने में लगी थी, जो मार्शल आर्ट्स को बहुत ही क्लोजली फॉलो करती है। तो आज की ऐसी ही एनिमी रिकमेंडेशन के एपिसोड के अंदर तुम्हें और भी कमाल की एनिमी सीरीज देखने को मिलने वाली है जो प्योरली फाइटिंग के ऊपर बेस्ड होती है, जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट शुरुआत में बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन टाइम के साथ खुद को ट्रेन करने के बाद ये बंदा बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड एंड बैडएस होता चला जाता है। तो सारी ही सीरीज ऐसी ही होने वाली है, तो इन्हें कहां से देखना है ये जानने के लिए तुम्हें एंड तक बने रहना पड़ेगा। बाकी चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे आती है केनिची द माइटीएस्ट डेसिपल, जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट होता है केनिची, जो हद से ज्यादा वीक होता है और इसलिए ये चलता फिरता पंचिंग बैग बन जाता है। तो ये सबसे तंग आके ये बंदा डिसाइड करता है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बंदा एक कराटे क्लब ज्वाइन करेगा, लेकिन एक सीनियर इसे वहां भी बुली करता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने और कराटे क्लब में रहने के लिए इसे उस सीनियर को लड़के हराना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। लेकिन रुको, एक बहुत ही खूबसूरत सी बंदी ने इसकी लाइफ में एनकाउंटर किया होता है, जिसकी फैमिली एक डोजो चलाती है, जहां अलग अलग फाइटिंग स्टाइल के स्पेशलिस्ट हैं, जो केनिची को अपना डेसिपल बना लेते हैं और इसे ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो यहां से शुरू होती है इसकी स्ट्रांग बनने की जर्नी, जिसके बीच में तुम्हें काफी सारी तगड़ी फाइट्स, ट्रेनिंग, कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, जो तुम्हें सीरीज में बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। एंड इसके बाद नंबर टू पे आती है वायरल हिट, जो तुम हिंदी डब में भी स्ट्रीम कर सकते हो, जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है और खुद को बुली होने से बचाने के लिए ये बंदा स्ट्रांग बनना चाहता है। तो ये बंदा एक प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब की तरह देखने को मिलता है उस पे सर्च करता है कि हाउ टू फाइट। तो इसे एक चैनल मिल जाता है जिसपे 0 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके ऊपर काफी सारी वीडियोस होती हैं। तो वहां से फाइट करना सीख के तो ये बंदा खुद का एक यूट्यूब चैनल खोल लेता है और लाइव स्ट्रीमिंग से काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और उसके बाद हर फाइट इसकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है, जिसका प्राइम फोकस ये होता है कि एक बंदा जिसे लड़ना नहीं आता है वो कैसे एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर, बॉक्सर या फिर अलग अलग फाइटर के सामने कैसे लड़ पाएगा। उसकी वजह से ये सीरीज तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएगी और हर एपिसोड इसका बहुत तगड़ा है। एंड इसके बाद नंबर थ्री पे आती है वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमी सीरीज हाजिमे नो इप्पो, जो बॉक्सिंग के ऊपर बेस्ड है, जहां एक नॉर्मल सा बंदा जो खुद को बुली होने से बचा नहीं पाता है वो कैसे एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनता है, उसके ऊपर ये सीरीज बेस्ड है। अब क्योंकि ये स्पोर्ट्स एनिमी सीरीज है, तो तुम्हें इसके अंदर एक क्लासिक एनिमेशन वाली वाइब और बहुत सारी कॉमेडी और फनी मोमेंट भी देखने को मिलेंगे। ऊपर से इस सीरीज की स्टोरी लाइन और भी ज्यादा तगड़ी है, जिसकी वजह से हर मैच इस सीरीज का तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्रेजी और तगड़ा लगने वाला है। तो इस सीरीज को गलती से भी मिस मत करना। एंड इसके बाद नंबर फोर्थ पे आती है यू यू हाकुशो, जो यूज के नाम के एक कैरेक्टर को फॉलो करती है जो लाइफ को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होता है, बल्कि ये बंदा अपने स्कूल में गुंडों में गिना जाता है। लेकिन कमाल की बात, ये बंदा पहले ही एपिसोड में एक बच्ची की जान बचाते हुए मर जाता है। तो स्पिरिट वर्ल्ड का किंग इसे एक मौका देता है जिससे ये दोबारा जिंदा हो सकता है, लेकिन ऑन वन कंडीशन कि इसे अब एक स्पिरिट डिटेक्टर बनना पड़ेगा। और वहां से यूसुके की जर्नी घोस्ट, मॉन्स्टर और स्पिरिट से फाइट करने के अराउंड में इवॉल्व करती है, जिसका एक्शन तो बैंगर है ही, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन और भी ज्यादा तगड़ी है। और तुम्हें एक ड्रैगन बॉल का कोई ऑल्टरनेटिव सीरीज देखनी है तो तुम्हें ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, जिसमें एक कामेहामेहा जैसा एक आइकॉनिक मूव भी देखने को मिलेगा। ऊपर से इसे हंटर एक्स हंटर के क्रिएटर ने ही बनाया है। तो इतने रीजंस बहुत है इस सीरीज को देखने के लिए। एंड इसी बात नंबर 5 पर आती है बाकी हैनमा, जो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये सीरीज कितनी ज्यादा तगड़ी है, जहां ये सीरीज भी प्योरली मार्शल आर्ट्स को ही फॉलो करती है, जिसका मेन कैरेक्टर यानी कि बाकी हैनमा जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनना चाहता है और साथ ही अपने बाप को सरपास भी करना चाहता है, लेकिन ये दोनों ही चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये बंदा शुरू कर देता है एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग टू अचीव हिज गोल, जिसके चलते तुम्हें बहुत ही तगड़े फाइटिंग एक्शन मैचेस देखने को मिलेंगे, जो सीरीज में बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने का काम करते हैं। लेकिन इस सीरीज का ऑर्डर काफी कंफ्यूजिंग है, तो तुम्हें इस सीरीज को इसी ऑर्डर में देखना है। बाकी ये था एनिमी रिकमेंडेशन का एपिसोड 9, और ऐसे ही और भी एनिमी रिकमेंडेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी इन सीरीज को कहां से देखना है उसके लिए टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जल्दी ये सारी सीरीज वहां पे अपलोड हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।